हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के इकोनॉमिक्स पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो कर्व होता है जो कि ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें दो एक्सेस होती हैं जिसके अंदर दो कमोडिटीज की क्वान्टिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों की यूटिलिटी सेम होती है। इंडिफरेंस कर्व वो आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है। ये अगर हम प्रोड्यूसर के सेंस में बात करें तो इंडिफरेंस कर्व को आइसो क्वांट कर्व कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जिसमें कस्टमर को उसकी इनकम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि वो जो भी इनकम अपनी स्पेंड कर रहा है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अर्न करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया ये हमारा। अब हम बात करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन की। तो वेल्थ ऑफ नेशन हमारी लिखी थी ये एडम स्मिथ ने। ये बुक है, बहुत ही फेमस बुक है जो कि इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ज्वाइंटली डिमांड होती है प्रोडक्ट की। जैसे कि अगर हम कार की डिमांड करेंगे तो कार की डिमांड के साथ हमारी पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। इसलिए एक डिमांड दूसरी डिमांड पर डिपेंड होती है, ये इसलिए इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो वहाँ पर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी डिमांड की। तो डिमांड एक विलिंगनेस है परचेस करने के लिए और साथ ही साथ उसको पे करने के लिए। अगर कस्टमर की विलिंग तो है उसको परचेस करने की, लेकिन वो उसके लिए रेडी नहीं है पे करने के लिए, तो वो हमारी डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। इसलिए डिमांड में विलिंगनेस के साथ साथ उसकी पे करने की उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए होनी चाहिए और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होनी चाहिए, इसलिए वो हमारी डिमांड कहलाती है। हम कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट करेंगे। ये होता है हमारा फर्स्ट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमारे प्राइस हैं प्रोडक्ट के इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारे प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस हमारे क्या होगी वो डिमांड जो होगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस जो होते हैं प्रोडक्ट के वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं डिमांड को। अब हम बात करते हैं इनकम की। तो अगर पर्सन की इनकम जो है वो हाई है काफ़ी, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो अगर इंक्रीज भी हो रहे हैं फिर भी उसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर पर्सन की इनकम डाउन है तो वहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइस अगर हाई होते हैं तो वहाँ पर उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के। अगर किसी भी रिलेटेड प्राइस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम है और आप जो प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहे हैं उसके प्राइस अगर हाई होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जो पर्सन है वो स्विच कर जाएगा दूसरे प्रोडक्ट पे, क्योंकि वो सोचेगा कि सेम प्रोडक्ट है और इससे भी मुझे वही चीज़ मिल रही है तो क्यों ना मैं सस्ते वाले प्रोडक्ट को परचेस करूँ और ये वाला प्रोडक्ट तो बहुत महंगा हो गया है। तो वहाँ पर वो हमेशा क्या करेगा, स्विच ओवर कर जाएगा। तो रिलेटिव प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी ऑल्सो अफेक्ट करता है डिमांड पर हमारी। फिर आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अगर वहाँ पर कंज्यूमर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। फिर आता है नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट। एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट भी ऑल्सो डिफर करता है डिमांड पर। अगर एडवर्टाइजमेंट इस तरह से बनाया गया है जो कि कस्टमर को डायरेक्ट अट्रैक्ट करता है, या फिर जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज होते हैं वो उस एड को कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो कि पर्सन को डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है और उसको इतने अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से नहीं बनाया गया है तो वहाँ पर भी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आता है नेक्स्ट फैशन ऑफ क्लाइमेट। जो डिमांड है हमारी वो फैशन ऑफ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी होती है, क्योंकि आज के टाइम में पर्सन क्वालिटी को इतना प्रेफर नहीं कर रहे, वो लोग फैशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फैशन के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पर आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्लाइमेट को देखते हुए उसको प्रोडक्ट को बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं जहाँ पे इंडिया में इतनी गर्मी होती है,
तो वहां पर अगर आप किसी भी तरह का क्लोथ बना रहे हैं, तो अगर आपका क्लोथ वो बहुत ज्यादा हैवी है और अगर उसकी इस तरह का फैब्रिक है जिसमें वो ज्यादा हीट लगती है उसे पहनने से, या फिर ज्यादा उस प्रोडक्ट को कोई परचेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंडिया जैसे जगह पर अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे उनको ठंडक महसूस हो रही है, या फिर आप कॉटन के फैब्रिक को लेकर कपड़ा बना रहे हैं, तो वहां पर उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्लाइमेट और फैशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है, और अगर आपका प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग होगा तो डेफिनेटली आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमांड कर्व की। तो डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर डिमांड को शेड्यूल करके रिप्रेजेंट किया जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें ऑल्टरनेटिव गुड्स होते हैं। एक गुड अगर वहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय के प्राइस, अगर चाय के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो वहां पर क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गया उसका, कॉफी। तो लोग कॉफी पीना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर चाय के प्राइस बढ़ जाएंगे तो काफी सारे लोग जो है वो कॉफी की तरफ स्विच ओवर कर जाएंगे। हम बात करते हैं मार्केट। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, डील करते हैं और अपने प्रोडक्ट को वो एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट बात करें ओलिगोपॉली की। तो ओलिगोपॉली ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड ओलिगी एंड पॉलिन से। ओलिगी का मतलब होता है फ्यू और पॉलिन का मतलब होता है टू सेल। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस होता है एंट्री और एग्जिट का वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमिनल इनकम की। तो नॉमिनल इनकम वो इनकम होती है जो कि हमें हैंड में रिसीव होती है, क्योंकि कुछ इनकम ऐसी होती है जो कि हमें लगती है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें हम पर्क्स ले लेते हैं और हमारे पर्क्स के साथ साथ हम अगर हमें कोई और बेनिफिट भी मिल रहा है अदर जो कि हमारे मॉनेटरी नहीं है, तो वो सारे इनकम हमारी नॉमिनल इनकम नहीं कहे जाएंगे। नॉमिनल इनकम सिर्फ हमारी वही होती है जो कि हमें हैंड में रिसीव होती है। ठीक है, हम बात करें रियल इनकम की। तो रियल इनकम हमारी परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर की। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इनकम है कस्टमर की और वो इनकम उसमें अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी उसमें इंक्लूड हैं और वो उन पैसों को अलग कर देता है कि ये हमारे इस एक्सपेंस के लिए हैं, और बाद में जो पैसे बचते हैं किसी चीज को परचेस करने के लिए, तो वो पैसे उसकी रियल इनकम कही जाती है। क्योंकि जब तक वो उस पैसे से परचेसिंग नहीं कर सकता तो वो उसकी रियल इनकम नहीं है। तो रियल इनकम सिर्फ वही होगी जिससे वो किसी भी चीज को परचेस कर सकता है। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि कस्टमर की परचेसिंग पावर ही उसकी रियल इनकम कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर एमसीक्यूज होते हैं और आपके इंटरव्यू होगा, उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपने 11th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, और कुछ बीकॉम का पार्ट भी होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसका रिविजन कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।